हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज का वीडियो आपको पता लग ही गया होगा कि आज का वीडियो होने वाला है ये आई मेकअप पर, जो कि हम आई मेकअप क्रिएट करेंगे ईयरबड्स के साथ। जी हाँ गाइस, ईयरबड्स तो आप सबके घर में होते ही होंगे। तो जिसके पास ब्रशेस नहीं है तो ईयरबड्स से बड़ी कन्वीनियंटली आप आई मेकअप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से बड़ी आसानी से एक आई मेकअप लुक क्रिएट करेंगे, वो भी आई बर्ड से। ठीक है गाइज, ये मैं आपको आई ईयर सॉरी ईयरबड्स दिखा रही हूँ। तो आपको एक दो दो तीन ईयरबड्स मेरे यहाँ पे यूज़ हुए हैं। सबसे पहले आपने कॉर्नर है जो उस पर जो भी आपने कलर पिक करना है वो आपने, जैसे मैं यहाँ पे पर्पल कलर पिक कर रही हूँ और मैंने इसको ना पहले लाइट लाइट ही मैंने पिक किया ये शेड आई शेडो को। फिर उसके बाद मैंने ऐसे डिफरेंट कलर यूज़ किए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने पर्पल कलर शेड पिक किया है, फिर उसके बाद मैंने ग्रीन कलर पिक किया है। ठीक है, ये ना मुझे बड़े लाइट लाइट से लग रहे थे कलर, तो आगे आप देखना वीडियो में कि मैंने फिर दोबारा दूसरी आई पे जब मैंने थोड़ा डार्क ज़्यादा आई प्रोडक्ट लेकर मैं आई शेडो लेकर तो मैंने क्रिएट किया तो बहुत वो अच्छा लग रहा था। तो फिर मैंने थोड़ा इसको डार्क किया। ठीक है, ईयरबड्स के एक ईयरबड पर आप दो कलर्स यूज़ कर सकते हो। आपको पता है दोनों साइड पर कॉटन बड लगा होता है, कॉटन लगा होता है। तो आपने क्या करना है कि दोनों साइड पे एक एक साइड पे एक कलर, दूसरी साइड पे आप दूसरा कलर यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से आपने ईयरबड्स की हेल्प से अपनी आई शेडो को पिक करना है और अपनी आईज़ पे प्लेस कर देना है। ठीक है, जो भी आप कलर आप चाहते हो, यहाँ पे मैंने पर्पल, पिंक, ग्रीन और उसके बाद मैं यहाँ पे आई की जो यहाँ से आईलेड का कॉर्नर है उस पर मैं गोल्डन सा, गोल्डन येलो येलो सा कलर मैं यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, ये मैंने तीन चार से कलर रेनबो कलर्स कह लो जहाँ, ठीक है, यूज़ करने की एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की है। तो मैं भी यहाँ पे ग्रीन कलर बड़ा लाइट सा लग रहा था तो मैं उसको डार्क कर रही हूँ, आप देख सकते हो वीडियो पर। तो मुझे ये था कि कलर्स जो थोड़े ना वो पॉपअप होके आए, लेकिन मेरे पास एक ये आई शेडो एक आई शेडो पैलेट एक ही है, वो भी मेरे पास वो पाउडरी फॉर्म में होता है, क्रीमी फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद मैंने क्या किया, इसको ब्लेंड ब्लेंड ना ईयरबड की हेल्प से ही इसको ब्लेंड ब्लेंड कर रही हूँ। अच्छे से इसको ब्लेंड आउट कर लेना गाइस। तो ये ब्लेंड होने के बाद कुछ ऐसा ऐसे कलर्स दिख रहे थे, सब कलर्स बिल्कुल मेरे को लाइट से लग रहे थे, है ना, ऐसा लग रहा था। अगर आपने लाइट चाहिए तो आप ऐसा यूज़ कर सकते हो। आई कलर्स तो सभी दिख रहे थे बट बहुत लाइट है ना। अब मैं दूसरी आईज़ पे क्रिएट करूँगी सेम कलर्स को लेकर, थोड़ा सा ज़्यादा प्रोडक्ट लेकर, ताकि वे देखिए गाइस मैंने अभी ये सारे कलर इधर भी लगाए हैं। अब मैं इसको सबको ब्लेंड नहीं करूँगी, बस मैंने कट क्रीज से ही इसको ब्लेंड करूँगी सभी कलर्स को। और मेरे को दूसरा वाला लुक ज़्यादा अच्छा लगा जो दूसरी आईज़ पे मैंने किया ना। तो यहाँ पे मैंने देखो कट क्रीज पे ऊपर ऊपर से कर रही हूँ बिल्कुल ब्लेंड इसको ईयरबड्स की हेल्प से। तो इसको आपने भी इसी तरह से कट क्रीज तक ऊपर से कर लेना है ब्लेंड ईयरबड्स की हेल्प से, ताकि जो हमने आई शेडो में कलर यूज़ किए हैं आई मेकअप में वो पॉपअप होके दिखें। ये इधर वाली साइड देखिए कई बार, इधर वाली साइड आपको जो भी अच्छा लगे। मुझे तो इधर वाला जो दूसरा वाला आईज़ पे मैंने क्रिएट किया है वो मुझे अच्छा लग रहा था। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी कि दूसरी वाली भी उसी तरह से मैं दूसरे वाले आईज़ पर भी ईयरबड से थोड़ा डार्क डार्क वाले दोबारा से शेड मैंने पिक किए हैं और मैंने दोनों आईज़ को अच्छे से कट क्रीज से ब्लेंड कर लिया। ब्लेंड करने के बाद गाइस कुछ ऐसा लग रहा था मेरा आई मेकअप। अगर आपके पास अगर आपके पास ब्रशेस नहीं, आई मेकअप ब्रशेस, तो आपको अभी बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं। ईयरबड सबके घर में होते हैं, आप जाइए और ईयरबड उठाइए और अच्छा सा आई मेकअप क्रिएट कीजिए। ये मैंने ऑफलाइन आईलाइनर लगा लिया, आप देख सकते हो मेरा पूरा आईज़ का मेकअप कितना सुंदर लग रहा है, मुझे तो बहुत पसंद है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो गाइज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और गाइस मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छी सी वीडियो के साथ। आप मुझे कमेंट डाउन करके बताइए कि आपको कौन सी वीडियो और इस कौन सी वीडियो देखनी है मेकअप पर, तो मैं उसी वीडियो वही वीडियो मैं आपके लिए बनाने की कोशिश करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट।